नमस्कार, मैं रश्मि, आप देख रहे हैं प्रजातंत्र टीवी। जनता दल यूनाइटेड के संसदीय दल के अध्यक्ष एवं जदयू नेता उपेंद्र कुशवाहा आज बेगूसराय पहुंचे, जहां बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं एवं समर्थकों ने उनका भव्य स्वागत किया। जगह जगह कार्यकर्ताओं ने अंगवस्त्र के साथ साथ पुष्पमाला से उपेंद्र कुशवाहा का स्वागत किया। इस दौरान कार्यकर्ता ढोल नगारों के साथ झूमते दिखे। बाद में अपने काफिले के साथ उपेंद्र कुशवाहा बेगूसराय जिला मुख्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया। प्रेस वार्ता के क्रम में उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि वह पूरे बिहार की यात्रा पर निकले हैं और तकरीबन 12 जिलों की यात्रा संपन्न हो चुकी है और इसी कड़ी में वे आज बेगूसराय में हैं। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि इस यात्रा के दौरान संगठन को मजबूत करने का प्रयास किया जाएगा एवं जहां जो कमियां नजर आएंगी उन्हें यात्रा के उपरांत पार्टी के समक्ष रखा जाएगा और उन्हें दूर करने का प्रयास किया जाएगा। जिले में बढ़ रहे अपराध के संबंध में पूछे जाने पर उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि कुछ ऐसे लोग हैं जो आपराधिक छवि के हैं और उनके द्वारा आपराधिक घटनाओं को अंजाम दिया जाता है, लेकिन साथ ही प्रशासन भी अपना काम पूरी मुस्तैदी से कर रही है। हमारी यात्रा पूरे बिहार की यात्रा है। लगभग 2 दर्जन से भी ज्यादा जिला का कार्यक्रम संपन्न हो गया है और इसी बिहार यात्रा के क्रम में कल समस्तीपुर थे, आज आपके बीच बेगूसराय में है। कौन है? इस यात्रा के माध्यम से कोशिश है बिहार में पार्टी को ताकत देने की। नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बेहतर से बेहतर बिहार बन सके, इस बात की कोशिश, पार्टी को भी मजबूत करने की कोशिश और आम जनता के लिए जो गरीबों के लिए योजना चल रही है उसका 100% लाभ गरीबों को मिल पाए, लोगों को मिल पाए, इसमें पार्टी के साथियों की क्या भूमिका हो सकती है, इस पर भी पार्टी के साथियों के साथ विमर्श और इस क्रम में आम जनता के बीच भी हम जा रहे हैं। कई जगह प्राकृतिक प्रकोप के कारण लोग मौत के शिकार हुए हैं, कोरोना के चलते भी बहुत सारा परिवार आज उन परिवारों में किसी न किसी का निधन हुआ है, अन्य कारणों से भी बहुत सारे परिवार के लोगों ने अपने किसी परिजन को खोया है। माननीय मुख्यमंत्री जी की योजना कोरोना से पीड़ित इस तरह का जो परिवार है उसके लिए है, पहला राज्य उस रूप में हमारा बिहार, जिसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि 4 लाख रुपया मुआवजा हम देंगे, कोरोना के चलते किसी की मौत होती है तो उनके परिवार के लोग इस बात की भी समीक्षा जहाँ भी जाते हैं हम देखते हैं। और भी गरीबों के लिए योजना है, नौजवानों के लिए, महिलाओं के लिए, दलित महादलित पिछड़ा अति पिछड़ा सब के लिए उन योजनाओं के कार्यान्वयन की स्थिति पर पार्टी के साथियों के साथ विमर्श करना, कुल मिलाकर आम जनता से भी मुलाकात और पार्टी के नेता साथियों से भी मुलाकात इस यात्रा का मुख्य मकसद है। और इस रूप में पूरे बिहार की यात्रा के समापन के उपरांत पार्टी समीक्षा करेगी कि कहां संगठन की दृष्टि से क्या कुछ करना है या लोगों को और अधिक से अधिक योजनाओं का लाभ मिल पाए उस दृष्टि से क्या कुछ करना है। तो इस महीना के अंत तक हम बिहार के तमाम जिलों का दौरा संपन्न कर लेंगे और तब अंतिम रूप से उस पर विमर्श करके क्या कर रहे हैं आप लोग बिहार के लिए पार्टी